सभी बच्चों से मैं ये बोलना चाहूंगा, आप लोग बच्चे ही हो, सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं आप आज भी अपनी सोशल बाउंड्रीज में बंधे हो। अगर आपको किसी से सच में प्रेम होने लगा है बेटा, सच वाला, वो नहीं कि एक साथ चार को मैसेज कर रहे हो, उसको प्रेम नहीं कहते, वो ट्रायल रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंटल, पता नहीं क्या क्या नाम तुम लोग बना लिए हो आजकल। सच में अगर आपको किसी से प्यार होने लगा है, आप सोचने लगे उनके साथ जीवन स्पेंड करेंगे, तो एक बार ध्यान से दोनों लोग के परिवार को आप देख लीजिएगा। मैं आपको बहुत यहाँ पे सुगर कोटिंग करके बातें नहीं बताऊंगा, यही जमाना है, यही सोसाइटी, इसी में जीना है, धीमे धीमे बदलेगी। अगर आपको सच में किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा है, एक बार, अभी सब लोग डर गए हैं, अरे यार नहीं हो पाएगा क्या अपना, फिर मन से आवाज होगी, अरे सर आपको क्या पता मेरा प्यार कितना सच्चा है, आप क्या जानोगे। सबको ये गलतफहमी होती है, मुझे भी थी, हर इंसान को गलतफहमी है कि मेरा बाबू सबसे अलग है, वो डिफरेंट है, वो हर इंसान को गलतफहमी होती है। अगर आपको इस उम्र में किसी लड़की से, किसी लड़के से बहुत प्यार हो रहा है, एक बार दोनों के परिवारों को देख लीजिए। आज आपको वो प्रॉमिस करेंगे या करेंगे कि मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगा, रहूंगी, शादी करेंगे हम लोग, चार छोटे छोटे बंदे जैसे हमारे क्यूट क्यूट बच्चे होंगे, आप सब प्लान कर लोगे। आज से 7-8 साल 10 साल बाद जब शादी की बात होगी तो वो नहीं करेंगी, पिताजी आएंगे करने, और पिताजी के आके आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, बेटा कितना कमा लेते हो, कौन सी जात के हो, कौन से धर्म के हो। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया। आप हमारे समाज में देखो, लोग धन दौलत रूप रंग जात परिवार गांव कुल ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं, और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है।